नल कुबड़ मणिगरीब दोनों वृक्ष कैसे बन गए? अभिमान देखी करी दोनों का मणिगरीब ये वृक्ष कैसे बन गए? एक बार ऐसा हुआ ये दोनों कैलाश पर्वत पर रहते थे। एक दिन अपनी पत्नियों से बोले हैं चलो आज जमुना मैया पर नग्न होकर के स्नान करेंगे और जवाब दिया है अरे बसंतारो मेरी प्यारी है जो नग्न हुई की हनावी होकर के गंगा मैया पर स्नान करें चल के। पत्नियां मना करने लगी लेकिन नालायक नहीं माने, शराब के नशे में मदरा का पान किए हुए, और आप तो जानते ही हो शराब और बुद्धि का कितना पैर होता है, शराब अंदर बुद्धि बाहर। एक कवि कह रहा है इसको पीने से ही चेहरे पे रूहानी आए, और इसको बूढ़ा भी पिए तो जवानी आए। दोनों शराब मदरा का पान किए हुए पहुंचे, अपनी पत्नियों को लेकर के स्नान करने लगे। बाबा नारद आ रहे थे भ्रमण करते हुए, नारद को देख करके इनकी पत्नियों ने अपने शरीर को ढक लिया, लेकिन ये दोनों ऐसे ही खड़े रहे। नारद को क्रोध आ गया, नारद ने जवाब दिया मूर्खो तुमने हमारा अपमान किया है, वृक्ष की तरह खड़े हो, जाओ हम तुम्हें श्राप देते हैं मृत्युलोक में जाकर के वृक्ष बन जा। दोनों को श्राप दे दिया। यही नलकुबड़ मणिगरीब
वृक्ष बने बाबा नारद के आगे गिड़गिड़ाने। तो नारद ने कहा द्वापर युग में जब भगवान कृष्ण का अवतार होगा वो तुम्हारा उद्धार करेगा।